हमारे पास आज यहाँ तीन कपल्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, खुदा ने भेजा है पजल बना के. सो ये पजल कितना मजबूत है और एज टीम ये किस तरह किस किस चीज़ से फाइट कर सकते हैं. लेकिन इस कपल के जिसको मैं बुला रही हूँ ना अभी, मैंने तो इनको प्रैक्टिकली जिंदगी से फाइट करते देखा है. वो मैं नहीं बताऊँगी कि किस चीज़ में देखा है, वो अंदर की बात है. लेकिन यहाँ मैं गवाही दे सकती हूँ कि इनको खुदा ने एक दूसरे के लिए ही बना के भेजा है. ये टीम कितनी स्ट्रांग है. मुझे लगता है इनकी शादी को तुम लोगों के 12 साल हो गए. 14 साल हो गए इनकी शादी को माशाल्लाह. और वही वाली बात है, जब आप इतने साल एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार लेते तो अच्छे से समझ जाते हैं. पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 20-30 साल गुजार के भी उनको नहीं समझ आता कि है मैंने किसके साथ इतने साल गुजार दिए. सो आइए, एक अंडरस्टैंडिंग वाला कपल हमारे पास मौजूद है जिनकी शादी को हो गए 14 साल. वेलकम करते हैं हसन एंड सुनीता. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ये हमारे पड़ोसी कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसे आप? ठीक आप? प्लीज बैठे, प्लीज बैठे. किधर बैठे? तुमने कहा कि ब्लू में उसमें मर्ज ना हो जाओ सोफे में, ये ज्यादा बेहतर है. तो मैं वाइट पे बैठूं. वही है कि हम लोग की मुलाकात सोफे ही हो जाती है. वैसे भी हो ही जाती है, आई गेस. आगे जाते हैं, कभी एनओआई गाड़ी में है, ये वो. मतलब कॉलोनी की बात करें कि कॉलोनी में हम अपने इकट्ठे जो जा रहे हैं, तो आई मीट एवरी फ्राइडे. हाँ, वो जमात में मुलाकात होती है. और तुम लोगों के बच्चों से भी मेरी मुलाकात हो ही जाती है आते पार्क में. पार्क में कैसे हो? अलहम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हो, मजे में हो. वो हमेशा मैंने देखा है आप लोग जब भी किसी मेरे शो पे आते हो, जहाँ मुकाबला होता है, तो बड़ा दिल और जान से मुकाबला जो है लड़ते हैं. तो मैंने कहा ये बड़े अच्छे टीम मेंबर्स हैं, बहुत स्पोर्टी हैं इस मामले. हाँ, जब सर पे बात आती है तो फिर हम कहते हैं चलो लेट्स डू इट, कर ही लेते हैं. वैसे कभी वैसे भी अगर ऐसे कोई मुकाबला हुआ हो कुछ हो, तो कभी जीते हो आप कोई मुकाबला इन द सेंस जैसे पैसे भी मिले हो? और उसमें सारे सेलिब्रिटीज उन्होंने बनाए थे, बुलाए थे और क्वेश्चन आंसर्स थे. उसके बाद एयरवाइज म्यूजिक के शोज होते थे, हमारे दानिश ख्वाजा साहब कराते थे, तो उनके भी हम लोग कभी लैपटॉप लेके जा रहे हैं. अरे वाह, गाड़ी तोड़ी भी थी, कुछ गाड़ी तोड़ी थी. किससे क्यों तोड़ी थी गाड़ी? यही गाड़ी थी, हमने जीत ली थी गाड़ी. लेकिन एंड में उन्होंने कहा कि 5 questions हैं या 10 questions हैं, हर गलत आंसर पे एक हथौड़ा था बड़ा सारा. ओह माय गॉड, वो डैमेज करनी थी गाड़ी. फिर कितनी डैमेज हुई? आई थिंक तीन बार हुई है. हाँ, हेडलाइट्स. और बड़ी अच्छी बात ये है कि जिन्होंने जिनको मैंने बेची थी, उन्होंने ये शो देखा हुआ था. अच्छा, उन्होंने कहा सर कोई मसला नहीं, आप दे दें. यार ये बड़ी अच्छा आइडिया हो गया, बड़ा मजेदार. और ये बिल्कुल यंग थे, तो उस टाइम पे इट वाज अ वेरी बिग थिंग, यू नो, कि गाड़ी जीत ली. हां, उसका यार मतलब लाइक किस जीत की चीज ही अलग होती है, मजा ही अलग. मजा अलग है. घर में कौन जीतता है? लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट होता है तो कौन जीतता है? मैं चुप हो जाता हूँ. लॉजिक्स ये ज्यादा अच्छी देती है. ये ऑपोजिट बोल रहा है, मैं खामोश हो जाती हूँ. लॉजिक्स हम दोनों की अच्छी है, बिकॉज हम दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं. अच्छा, बट हम दोनों को एक दूसरे की बात मानना अब बहुत बेहतर हो गया है. अच्छा, नाउ वी लिसन टू ईच अदर. अच्छा, कि चलो यार ये भी सही कह सकती है, मैं भी सही कह सकता हूँ. हाँ, तो अब ये हो गया. और ये शादी के कितने साल बाद ये चीज आप लोगों के एज कपल अंदर आई? 8-10 साल लगते हैं. 8-10 साल ना, इतना टाइम तो देना पड़ता है. वही मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप जो है ना, वो भी एक काम है. शादी के ऐसा नहीं है हो गई शादी बस. शादी के 2-3 साल तक तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. आप एडजस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है कि अच्छा यार, एक दूसरे इंसान के साथ रहना, कमरा शेयर करना, नो, बाथरूम शेयर करना. फिर इंसान मैच्योर भी होता है. हाँ, अपनी गलतियां भी आप एक्चुअली अंदर रियलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को शायद ना बताएं. कंपनी मैटर्स अ लॉट. आप किस तरह के दोस्तों में बैठते हैं, क्या आपकी कंपनी है, वहाँ से भी आप बहुत कुछ पिक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. बिल्कुल. Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.